इतना परेशान लग रहे हो, मेरी वाइफ ने कोई नई खुशखबरी दे दी क्या? लाल मोया कहीं का? अरे बड़ी मुश्किल से आज के शो के लिए साजिद को होस्ट बनाया था, वो भी भाग गया। मम्मी जी, हमें किसी भी तरह बिट्टू को वापस लाना होगा। मैं पुलिस को बुलाती हूँ। फोन तो उधर पड़ा हुआ है। हाँ, पर फोन में तो बैलेंस नहीं है ना। मेरे छत पर जाऊंगी, जोर जोर से चिल्लाऊंगी, बचाओ बचाओ पुलिस पुलिस, तो थोड़ा माहौल भी बनेगा यू नो। जा मेरी बच्ची जा। हे भगवान, ऐसी मुश्किल घड़ी से हमें कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? पैरों में पहनने वाले जुराबे हाथ में पहन के घूम रहा है, कल अपना कच्चा सर पे पहन के घूमेगा, फिर कहता है कुछ तो गड़बड़ है। कब तक हिलाता रहेगा, थकता नहीं है क्या? पहले ये बताइए, आप यहाँ कर क्या रहे हैं? एक्चुअली इंडिया में क्राइम कम है और हमारे एपिसोड ज्यादा हैं, इसलिए हम घर घर जाके केस ढूंढते हैं। कई बार शूट के लिए हम खुद भी जुर्म कर लेते हैं। ग्लैमर, तुम अपना मुंह मत खोलो। ये कैसा ग्लैमर है भाई? अरे हमारी आंखों से देखो, ग्लैमर तो बहुत है। सर इस आदमी की नजरें बहुत खराब है सर। अरे तुम्हारे लिए अपना करेक्टर चेंज कर दें क्या? सर मैं जा रही हूँ, सर मैं जा रही हूँ। रुक जाओ, जहाँ ग्लैमर नहीं वहाँ हम भी नहीं। अरे रुकिए रुकिए, मैं क्या कह रही थी, आप लोग कहाँ जा रहे हो? इसकी बातों का बुरा मत मानिए, आप आइए इधर आइए। देखिए आप लोग ऐसे मत जाइए, मेरी बहू और मेरी पिंकी है ना, तुम लोगों के लिए नाश्ते ले आएगी। अरे कहाँ हो? आ रही हूँ। गो गया चेकर। अगर समोसा है तो ये साथ में चटनी होगी। हाँ समझ गए, चटनी आती है, पटाखे नहीं आते। काम खा भी लाइने बढ़ा रहे थे यार। खराब समोसा ही है। मैं क्या कह रही थी, मेरा पोता गायब है, भगवान के लिए उसे ढूंढ निकालो। सुनिए मेरा भतीजा गायब हो गया है, उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। प्लीज हमारे दामाद जी को ढूंढ निकालो। सुना गया, सुना, पोता भतीजा दामाद तीन तीन लोग एक साथ गायब हैं। कुछ बात समझ में आई गया? सर अगर सब कुछ गया को पूछना था तो मुझे क्यों साथ ले जाते हो सर? पहले बताइए कि गायब होने से पहले बिट्टू शर्मा ने क्या खाया था? कड़ी चावल। हाँ। हमें भी भूख लगी है, हमें भी खिलाओ। हम बकरी खा रहे हैं, आपको सुबह मिलेंगे। हाँ है, मेरा भतीजा नहीं मिल रहा है, आपको कड़ी चावल की पड़ी है। हाँ? आए, आए, मुझे कड़ी चावल नहीं मिल रहा है, आपको भतीजे की पड़ी है। अरे मुझे लगता है कि आप कुछ कर पाएंगे, सीरियसली। केस तो हम सॉल्व करके रहेंगे, पहले आप हमारी फीस दे दीजिए। हैं? फीस कितने? 5,100 रुपए, वो भी कैश, हमारे पास बैंक अकाउंट नहीं है। 2100 तो गुंडे मांग रहे थे। हाँ तो 2100 देकर छुड़ा कर लाएंगे, अब बाकी 3,000 तो बचे। उसके नीचे हमें परवड़ता नहीं है। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं यार? बाहर बाहर वहाँ पे एक लाश पड़ी हुई है और आप यहाँ खड़े हैं। सर बाहर कोई लाश नहीं है। नहीं नहीं, ये चाकू है, जब ये लगेगा तो बाहर तो लाश पड़ेगी ना। फिर इसका मतलब समझे गया? नहीं सर। भाग साले। ससुर ये कैसी आवाजें आ रही है, टॉयलेट गए थे आप? अरे नहीं बेटा, मैं तो मुंह से कुकर की सीटी मार रहा था ताकि पड़ोसियों को लगे घर पे खाना पक रहा है। मतलब आप टॉयलेट नहीं गए थे? अरे सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या आप बात कर रहे हैं, ऐसी कोई चीज है जो आपसे पैदा नहीं होती? खैर आप ससुर और दामाद यहाँ पर बातें करो, मैं आपके लिए सूप लेने जाता हूँ। अरे जा जा, जा, जा हट। शाबाश दामाद जी, शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू भाई। आज तक इनके खानदान में किसी को फोड़ा फिंसी नहीं हुआ, स्लिप डिस्क हो गया भाई, स्लिप डिस्क हुआ। आपके खानदान में तो बड़ी बड़ी बीमारियां होती ना, कोई भी बीमारी हो जाओ डॉक्टर के पास ले जाओ, वो दाल चावल लिख देता है, कहता दो टाइम खाओ फायदा होगा। नंगे कहेंगे। मैं इसलिए आया था, मैं ये कहने के लिए कि
सारा दिन बेड पे पड़े रहते हो, बेड पे पहिए भी लगे हुए हैं। एक काम करते हैं, इस बेड को ना सिग्नल पे ले जाते हैं, तुम्हारा टाइम भी पास हो जाएगा। मतलब आप मेरे से इस हालत में भीख मंगवाएंगे? अरे इसी हालत में तो भीख बनती है। सिग्नल पे बैठेंगे, तुम ऐसे ऐसे करते रहना, ऐसे ऐसे मैं रोता रहूंगा, है ना, 5 रुपए में ऐसे रहूंगा, 10 रुपए में ऐसे रहूंगा। किसी ने 1 रुपया दिया तो बेटा मैं ये ऐसा बाहुबली दिखाऊंगा, उसका दृश्य खराब कर दूंगा। सर जी क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो? जाओ, इतना अच्छा मौसम है, सासू माँ को लेके किसी हिल स्टेशन में जाओ ना आप। अरे तुम्हारी सासू माँ को लेकर मैं रेलवे स्टेशन पे भी चला जाऊंगा ना, तो वहीं हिल स्टेशन बन जाता है बेटा। अरे मैं तुम्हारे पास एक काम आया था, ये अपनी ये पेंट मेरे को दे दो बेटा। ये क्या कर रहे हो, आपको मेरी पेंट फिट नहीं आएगी? अरे पहले मेरे कौन सा मनीष मल्होत्रा की पहनी है जो मेरे को फिट आ रही है? अभी तो लूज ही है, आदमी को फिट होना आना चाहिए बस बेटा। एक मिनट ये खोल लेता हूँ। ये क्या जंजीर और ताला लगा रखा है तुमने? मैंने तो पेंट में लगाया ना, राजू ने कच्चे पे भी लगाया हुआ है। आपके साथ रहेंगे कुछ तो सीखेंगे ना हम लोग। अच्छा बेटा ये बताओ कि तुमको स्लिप डिस्क हुआ कैसे? BMC का फॉर्म आता है, ऐसे भरते हैं ना तो 30 दिन में आ जाता है। कितनी बार बताऊं मैं, बारिश में पैर फिसल गया था। अरे बेटा बारिश में तो चप्पलें फिसलती हैं, पैर तो जवानी में फिसला करते थे। जरूरी नहीं है, कई लोगों के बुढ़ापे में भी फिसल जाते हैं। इजी टॉम नहीं। हे भगवान जीजा जी, ये सब कैसे हो गया? बस कुछ नहीं, मैं यहाँ पे खुजा रहा था, बजाने लग गया तो मैं और खुजा रहता था, मैंने कंटिन्यू कर दिया तो बाल तोड़ हो गए यहाँ पे। काश आपके मुंह पे खुजली होती, आपका मुंह तोड़ हो जाता आपको। अरे इनकी छोड़ो बिट्टू बेटा, तुम अपनी बताओ हैं, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? अरे मैंने सुना स्लिप डिस्क हो गया है। हाँ मेरी तो जान ही निकल गई। जान तो आपकी कब की निकली हुई, मेरा नाम क्यों लगा रही हैं आप? जो हुआ है ना बिल्कुल सही हुआ है, तू हो इसी लायक है। मुझे तो लगा जीजा जी किसी ने गुस्से में मुक्का मारा दिखे कमर में है? बड़े बुजुर्गों से बात करने की तमीज ना है? आप बड़ी है, आपको बड़ा बोलना मतलब बाहुबली फिल्म को फ्लॉप बोलना है। ये बताओ मौसा जी कैसे है? अरे मौसा जी कैसे होंगे, जैसे थे वैसे ही हैं। इतनी देर में क्या सलमान खान हो गए? जीजा जी जब मैं घर से निकल रही, नाक में उंगली दे के छज्जे पे खड़े। गलत फंस गई। अच्छा सुनो मैं क्या कह रही हूँ दामाद जी, मैं ना रास्ते में आ रही ना, मेरा जी धक धक कर रहा, मैं बहुत घबरा रही। मैंने कहा मैं इतनी दूर से मिलने जा रही हूँ, इतनी देर में मेरे दामाद जी ठीक हो गए तो मैंने जो चीकू खरीदेंगे तो सब बेकार चले जाएंगे। आपको कौन सा महंगे मिले होंगे, आपको तो डिस्काउंट में मिले होंगे। क्यों? चीकू जैसी शक्ल है आपकी, वो भी वो वाला चीकू जो ट्रक के नीचे आ जाता है। चीकू से आ रहा है, आपके 2 चीकू उधार है हम पे। कौन से? अरे पिछली बार मैं बीमार हुआ था, मिलने आई थी पता लेने के लिए, तब खा लिया था, ये चीकू तो लाए ही नहीं। जीजा जी आपने भी तो झूठ बोला था, साली साहिबा मरने वाला हूँ, मरे तो है ना है? अरे छोड़ो, लो बिट्टू बेटा तुम चीकू खाओ, ऐसा कहते हैं फ्रूट खाना चाहिए बीमार आदमी को। अच्छा तबीयत खराब हो रही। क्या हुआ? अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर नहीं, मैं चीकू दे दो। चीकू डे कीमता डॉक्टर अवे। अरे एप्पल ही डे कीम्स डॉक्टर अवे होता है। अब एप्पल के चक्कर में चीकू भी छोड़ दूँ क्या? चीकू क्या? मेरे को हार्ट अटैक आ गया। चीकू का है? अबे हार्ट अटैक छाती में होता है, लंगड़ा के क्यों चल रहा है तू? जिसको हार्ट अटैक आएगा अपनी चाल की तरफ थोड़ी ध्यान देगा वो। नहीं नहीं, झूठ की सबसे ज्यादा जरूरत मुझे है, क्योंकि कर्म मैंने किए तो फल भी मुझे मिलने चाहिए। क्या है फूल? नहीं नहीं नहीं, तुमसे ज्यादा कमजोरी मेरे को हो रही है, मेरे को चाहिए चीकू, दे दो। आपका भाई क्या? अरे पापा क्या हुआ आपको? कुछ नहीं हुआ, 3 रुपए का चीकू खाने के लिए 10 लाख की बीमारी बता रहे हैं। अरे बीमार मैं खाऊंगा चीकू। नहीं ये तो बहाना बना रहा है, फ्रूट मैं खाऊंगी। मुझे चीकू मैं खाऊंगा।
ले गया मेरे को।